आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सर्वप्रथम आप सभी भाई बहनों को हैप्पी होली। होली का ये पावन पर्व आप सभी लोगों के जीवन में रंग बिरंगी खुशियां लाए और आप सभी लोग सुखी एवं समृद्ध हों, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ हम वीडियोज की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से ही हम हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना नैतिक कर्तव्य निभाएं और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद हलचल तेज। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब किसी समस्या को लेकर के हम प्रदेश के मुखिया के पास पहुँचते हैं तो काफ़ी सारी समस्याओं का निराकरण तो अपने आप हो जाता है, साथ ही साथ जो समस्याएं आप सभी लोगों को परेशान कर रही हैं उन समस्याओं के निराकरण हेतु हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कल मुलाकात करेंगे और आप सभी लोगों की बातों को स्पष्टतः उनके सम्मुख रखेंगे। जो भी समस्याएं हैं उन सभी का निराकरण होना अत्यंत आवश्यक है। एक विवाद सा छिड़ गया है कि जब आप सभी लोगों की नियमावली जारी हुई टीजीटी पीजीटी की, उसमें 21 से 40 वर्ष, मैंने आप सभी लोगों को बहुत पहले बता दिया था कि एज को मैक्सिमाइज किया जाएगा। अभी तक आप लोग अनलिमिटेड फॉर्म भरते थे, परिवर्तन के लिए ही तो आयोग बनाया जा रहा है। तो बहुत से विद्यार्थियों ने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया था कि आप जानबूझ करके ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को मानसिक त्राणा का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज वही चीज़ें आप लोगों के सम्मुख हैं। तो विद्यार्थियों को यकीन हुआ कि वास्तविकता में जो इन्होंने 4-5 महीने पहले जो बातें कही थी आज वो सामने हैं। हमारी जो रिपोर्टिंग होती है वो ऐसे अपने मन से नहीं होती। मानते हैं कि हम आपको पेपर की कटिंग नहीं पढ़ करके सुनाते, मानते हैं कि हम आपको विज्ञप्तियाँ या इंटरनेट की खबरें नहीं सुनाते। हम जो प्रयास आप सभी लोगों के लिए करते हैं, जो अधिकारियों के बीच में जाते हैं, जो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, एक एक चीज़ों पर एक्यूरेट द पॉइंट हमारी नज़रें होती हैं। और अगर कहीं पे विद्यार्थी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी हो रही है, शासन स्तर पर उसका प्रस्ताव बन रहा है, तो उसका विरोध भी होता है और कोशिश हम सभी लोगों की जितनी भी हमारे पास शक्ति है उन पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चीज़ों को रोकने का पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं। अब विद्यार्थियों के दिन का चयन, रात की सुकून छिन गया है, क्योंकि ये प्रस्तावित नियमावली है जो टीजीटी पीजीटी की आप सभी लोगों ने देखी होगी, ये प्रस्तावित नियमावली है। इस प्रस्तावित नियमावली में एज का जो लिमिट है वो 21 से 40 वर्ष रखा गया है। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी से आप सभी लोगों को साक्षात्कार समाप्त होता हुआ दिखेगा और टीजीटी में भी टीईटी अनिवार्य होगा, ठीक है ना, और पीजीटी में प्री और मेंस होगा जैसे आपका जीआईसी लेक्चरर में होता है। चूंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन और उसके नियमावली को एक किए जाने के बाद ही लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड को जारी करने पर राजी हुआ। जब नियमावली एक हो गई तो शैक्षिक अर्हताएं भी एक हो जाएंगी। अब हर जगह आपको हर विषय में बीएड की अनिवार्यता देखने के लिए मिलेगी, टीजीटी में भी। अभी तक बहुत से शिक्षक ऐसे कला विषय के आदि में बन जाते थे जो कि बीएड डिग्री धारक नहीं होते थे, लेकिन अब उनको लिए भी बीएड अनिवार्य हो गया है। जो विद्यार्थी बीएड में रहेंगे उन विद्यार्थियों को एडवांटेज मिलेगा, जो विद्यार्थी नॉन बीएड होंगे उन विद्यार्थियों को दुगुना कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप सभी लोग टेक्निकल, फाइन, प्रावधिक, बीएफए आदि के स्टूडेंट जो हैं वो आवेदन तो कर लेंगे, लेकिन स्नातक प्लस बीएड इसकी भी योग्यता हो गई है, ठीक है। अब उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि आप सभी लोगों को जीआईसी लेक्चरर से लेकर के पीजीटी तक बीएड की डिग्री अनिवार्य होती हुई नजर आएगी अब, ठीक है। और जो ये परसेंटेज वाला मामला था वो प्रस्नातक लेवल पे समाप्त हो चुका है, स्नातक लेवल पे भी आप सभी लोगों को 45% देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और एज का जो लिमिट है वो 21 से 40 वर्ष रखा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आप सभी लोगों की बातों को रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आप सभी लोगों की बातों को वो ध्यानपूर्वक सुने और उस पर कुछ न कुछ निराकरण अवश्य दें।
विद्यार्थियों को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि एकमात्र जो ओवरएज विद्यार्थी होते हैं, एकमात्र उनका जो जीवन का आधार होता है वो केवल टीजीटी और पीजीटी ही होती है। अगर उसमें भी 21 से 40 वर्ष रख दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी सारे विद्यार्थी तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अब आप सभी लोगों के पास केवल 2016, 2021 और 2022 यही तीन विज्ञापन आपके बचे हुए हैं। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी हमारी याचिका में जुड़ना चाहते हैं, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके याचिका का लाभ उठा सकते हैं। 97 41 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ हमारी याचिका से जुड़ जाइए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए ये याचिका है। अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एलडी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए जो आयोग स्तर पर रोका गया है वैकेंसी, उन सारी चीज़ों का भी क्लियरेंस, खंड शिक्षा अधिकारी का भी क्लियरेंस कल की तारीख में हो जाना है। आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए ही हम सभी लोग यहाँ पर त्यौहार के दिन भी पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें वक्त नहीं मिल पाएगा। फिर नया शैक्षिक सत्र शुरू होने चल रहा है, विद्यार्थियों का एडमिशन नामांकन भी शुरू हो चुका है, अभी रिजल्ट आदि बनाने ही हैं, ठीक है ना। सारे प्रोसीजर से हमको भी गुजरना पड़ता है। क्लास 10th के हम क्लास टीचर हैं तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे अग्रेतर कार्रवाई कर रहे हैं और आप सभी लोगों की प्रतियोगी जीवन की समस्याओं का निराकरण कराने हेतु हम सभी लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। एलडी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता आप सभी लोगों की आयोग स्तर पर रुकी हुई है और आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोग मुलाकात करने जा रहे हैं और उनसे मिलने के बाद भाई को होली की भी शुभकामनाएं देंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे वार्ता करने के उपरांत जो कुछ भी सार तथ्य निकल करके आएगा वो आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हालांकि आज होली का पर्व है तो बहुत से विद्यार्थी तो रंग में ही सराबोर हो गएंगे, है ना। लेकिन होली को नशा मुक्त मनाइए, ये खुशी का त्यौहार है और अगर आप इसमें आपके साथ किसी की दुश्मनी भी हो, कोई आपसे आपका दिल दुखाया हो तो उसे भी माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है ना। होली का पर्व ही ऐसा होता है, इसलिए आप सभी लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग में एक मामला और सामने आ गया है जो कि 2018 के एलडी ग्रेड चयनितों का है। ये फाइल आप सभी लोगों की शिक्षा निदेशालय प्रेषित की गई थी, शासन से शिक्षा निदेशालय प्रेषित कर दी गई है। आज इसकी सूचना आप लोगों को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिला होगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 अप्रैल से, ठीक है। इसके संबंध में भी मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता की जाएगी और उनके सम्मुख ये मामला भी रखा जाएगा। एलडी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता तो आज ही क्लियर होनी है आप सभी लोगों की, क्योंकि हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय के पास जा रहे हैं। शैक्षिक अर्हताओं का पत्र जारी हो चुका है, फिर क्यों विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा है, इसके संबंध में उनसे बातचीत अवश्य की जाएगी। एज रिलैक्सेशन के लिए मैं आप सभी लोगों से बता दूं कि ये सब कुछ अगर कोई कर सकता है तो केवल मुख्यमंत्री महोदय कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों की समस्याओं को हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखेंगे और कोशिश हम सभी लोगों की होगी कि टीजीटी पीजीटी में जो 21 से 40 वर्ष की आयु व्यवस्था रखी जा रही है उसको मैक्सिमाइज करके सामान्य वर्ग के लिए 50 वर्ष, रिजर्व कैटेगरी के लिए 55 वर्ष रखी जाए, ताकि विद्यार्थी जो एकमात्र उनका उम्मीद होता है, जो एक दरवाजा बचा हुआ होता है, वो उनके लिए हमेशा खुला रहे। और आयोग में काफ़ी सारी चीज़ों को अब मैक्सिमाइज किया जा रहा है, काफ़ी सारे परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन ये जीके जीएस आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जैसे एलडी ग्रेड में देखने के लिए मिलता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग लोक सेवा आयोग से भी हटा दिया गया है, यहाँ से भी हटा दिया गया है। टीईटी अनिवार्य होगा, टीईटी आप सभी लोगों को एलडी ग्रेड और जीएससी लेक्चरर के लिए भी देना पड़ सकता है, तो इसके संबंध में वार्ता अवश्य की जाएगी क्योंकि इसका प्रस्ताव बन रहा है। टीईटी का आपका सबका सिलेबस जो है वो सेट किया जा रहा है कि माध्यमिक लेवल पर क्या सिलेबस रखा जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के। लेकिन इन सभी जद्दोजहद से बाहर निकल करके हम लोगों को एलडी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन लेना है। ये विज्ञापन अत्यंत आवश्यक है उन विद्यार्थियों के लिए
जो विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से 2018-19 से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा एलडी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा, तो हम आवेदन करेंगे और हम राजकीय विद्यालयों के अध्यापक बनेंगे। इन विद्यार्थियों के लिए हम लोग सदैव प्रयासरत हैं और जो विद्यार्थी हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़े हुए हैं, मैं उनको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की नियुक्तियाँ होंगी। और जो विद्यार्थी अभी तक हेयरिंग शुल्क अपना 1 जनवरी से नहीं जमा किए हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ जमा कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप लोग याचिका से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, आप लोग याचिका से बाहर कर दिए जाएंगे, फिर हमको दोष मत दीजिएगा। जो विद्यार्थी नहीं जमा किया फटाफट जमा कर दें। 97-41-85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी याचिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आरओ और पीसीओ 2023-24 को लेकर के। पीसीओ 2024 में पदों की संख्या बढ़ने के साथ साथ विद्यार्थियों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। अब उनके मन में एक सवाल ये है कि हमको 24 में तो मौका नहीं मिला, जो ओवर एज विद्यार्थी हैं, क्या 25 में मिलेगा? 25 में तो और बड़ी वैकेंसी होगी। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज की कल की तारीख में आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। दूसरा ये कि पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स आप सभी लोगों को जुलाई के द्वितीय सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आर ओ आर ओ कब होगा? क्या ये जून में होगा? तो जी हाँ, ये जून में होने चल रहा है। और आप सभी लोगों में बता दूं, मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में भी वार्ता की जाएगी। ये अभी तक लोक सेवा आयोग ने कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, सूचनाएं अपडेट नहीं की हैं कि ये परीक्षाएं कब हो रही हैं कब नहीं हो रही हैं। सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की जाएगी, कन्फर्म की जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग इसके लिए चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के साथ एक ऐसा मजबूत स्तंभ है जिसके माध्यम से आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याओं का निराकरण होता है, केवल प्रतियोगी जीवन की समस्याओं का, पर्सनल नहीं। ठीक है ना, बहुत से लोग अपनी पर्सनल लाइफ को भी हमसे डिस्कस करने लगते हैं, मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। किसका क्या है, कैसे है, कौन क्या कर रहा है, मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ कि मैं आप सभी लोगों को जो है मतलब इसके बारे में सजेशन दे सकूँ। मैं आज इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे भी भाई बहन हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ हमसे शेयर करना चाहते हैं कि आप सजेशन दीजिए हमें क्या करना चाहिए। मैं इन सारी चीज़ों में कोई सजेशन नहीं देता हूँ, आपकी लाइफ है, आप इंजॉय करिए, आप देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है UPSI की वैकेंसी को लेकर के। UPSI की वैकेंसी जब नियुक्ति और कार्मिक विभाग से मंजूरी पा चुकी है, गृह विभाग से मंजूरी पा चुकी है, तो आखिर ये वैकेंसी जाके कहाँ अटक गई? इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख बातें रखी जाएंगी। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि उनके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है और वो चाहते हैं कि इसका निराकरण हो जाए, तो आप हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं 97-41-85 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और आखिरी में मैं आप सभी लोगों से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ेंगे उनकी नियुक्ति 101% होगी। दूसरा, जो विद्यार्थी जो भाई बहन अपनी हेयरिंग शुल्क नहीं जमा किए हैं, प्लीज एंड प्लीज जमा कर दीजिए, क्योंकि लायर का फोन लगातार आता है मेरे पास। ठीक है ना, कि लगभग 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी हेयरिंग शुल्क नहीं दी है और वो विद्यार्थी याचिका से बाहर हो जाएंगे तो फिर हमको मत कहिएगा। ठीक है ना, उन विद्यार्थियों के नाम मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा वीडियोज पे, उनकी पूरी लिस्ट है मेरे पास। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपने हमारी वीडियो आप देख रहे हो तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, अपनी हेयरिंग शुल्क हमको प्रेषित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि लायर को हमें फुल एंड फाइनल फीस देनी है। ठीक है ना, बाकी मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद, आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने के बाद जो भी अपडेट निकलेगी, जो भी बातें होंगी वो आप सभी लोगों से शेयर की जाएंगी। और मुझे पूरा यकीन है, जिस तरीके से विश्वास और भरोसा आप सभी लोग मुझ पर करते हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उन सारी चीज़ों का निराकरण आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। जो भी अपडेट निकलेगी आप सभी लोगों को शाम की वीडियोज में प्रोवाइड की जाएगी। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को हैप्पी होली, खूब इंजॉय करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने परिवारजनों के साथ आनंद का अनुभव करिए और ईश्वर आप सभी लोगों के जीवन को निरोगी सुखमय, आपके परिवारजनों को सतायु बनाए और आप सभी लोग सुखी एवं समृद्ध हों। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।